हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना, जो नहीं आएगा तुझे बताएगा ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप के बारे में। टेलीस्कोप नहीं, स्कोप यानी फ्यूचर। क्या इस फील्ड का फ्यूचर अच्छा है? क्या इस फील्ड में सैलरी अच्छी है? क्या इस फील्ड में जॉब मिल सकती है? हर जगह जॉब के लिए मारामारी है, हर जगह आपको पैसा कम ज़्यादा मिलते रहेगा। आपकी नॉलेज, आपके टेक्निक्स डिपेंड करती है। आपको कोई भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हो तो आप स्कोप देख के क्यों चूज़ कर रहे हो यार? आप क्या सोच रहे हो कि हाँ 10 साल बाद 20 साल बाद ये स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा? आप इतना डर क्यों रहे हो? बहुत से लोग जो है रैपिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पेंटिंग करते हैं। महान पिकासो जो पेंटर हैं, उन्होंने कभी सोचा था क्या हाँ मैं पेंटर बनूंगा? इसको इसका स्कोप क्या है? रुको, गूगल पे सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, फिर पता करता हूँ स्कोप रहेगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नहीं किए ना यार, उन्होंने अपने काम पे फोकस किया है, काम पे अपने विजन पे फोकस करके हाँ मेरे को यही फील्ड में मास्टरमाइंड होना है। ये फोकस नहीं किया कि हाँ मैं कितना कमाऊँगा कितना नहीं कमाऊँगा। आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, थोड़ा या ज़्यादा लेकिन पैसा मिलेगा। लेकिन उस काम में आप परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा यार? आप सोच रहे हो आप मार्केट में उतरोगे, आप कोई भी फील्ड में नॉलेज ले लेते हो और कोई भी वीडियो देख लेते हो कि हाँ इस फील्ड में इतना स्कोप है, इतनी सैलरी आपको मिल रही है, और आप जाते हो इंटरव्यू देने या जॉब जॉइनिंग के लिए या फिर स्टार्टअप करते हो अपने बिजनेस के लिए, बट उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप नेगेटिव हो जाते हो। और बाद में वही गुस्सा आप उसी वीडियो पे वही ब्लॉग पे उतारते हो। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो तो एक एनालाइज करके काम कर रहे हैं ना। उन लोग एनालाइज करते हैं हाँ मार्केट में इस तरह इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन क्या वो सच है क्या गलत है जो प्रेजेंट है उनको ही पता है। तो अपने फील्ड को चूज़ करो और काम पे लगो, अपनी नॉलेज को गेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। ये मत सर्च करो अपनी लाइफ से ना, ये स्कोप नाम का जो वर्ड है ना उसको डिलीट कर दो पहले। सिंपल सी बात है, अगर डिलीट नहीं करोगे ना तो तुम्हारे मन में वही ख्याल जुड़ेंगे हाँ हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा उसने बोला था, ये वीडियो में तो इतना पैसा बोला जा रहा है और मेरे को सैलरी इतनी मिल रही है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, आप जिस लेवल पे रहोगे उसी लेवल पे अगर आपको सैलरी मिलेगी। हाँ ये है कि कुछ लोग कम देते हैं ज़्यादा देते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आप काम पे फोकस करो, स्कोप में मत कीजिए यार। स्कोप फ्यूचर क्या है? फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, सिंपल से बात बोल रहा हूँ। आप अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी कर रहे होंगे अभी के टाइम पे, आप श्योर हो कि 10 साल 20 साल बाद इसकी वैल्यू क्या है, या फिर 1 साल बाद ही इसका क्या होने वाला है? वैल्यू बढ़ने वाली कि घटने वाली कि कचरा होने वाली है, कुछ पता है? नहीं पता। तो फिर क्यों टेंशन लेना? अगर आपको लग रहा है इस फील्ड में मेरे को काम करना चाहिए, इस फील्ड में अच्छा है, तो उतरो मार्केट में, देखो अगर हुआ तो हुआ। सिंपल सी बात है, पहले से लेकर हम 12वीं ग्रेजुएशन करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? नॉलेज गेन करने के बेसिस पे करते हैं ना। वही नॉलेज गेन करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग जाती है, फिर नहीं लगती है। आप क्या सीख रहे हो उसी बेस पे आपको जॉब मिलती है। आपका माइंडसेट क्या है, आपका कन्विंसिंग पावर कितना है, उसी बेस पे आपको जॉब मिलती है। मेन मुद्दा यही है, आप अपने टेक्निक्स को चेंज करो और आगे बढ़ो। फ्यूचर और स्कोप, स्कोप के चक्कर में पढ़ना बंद करो यार। यूट्यूब पे ये सब सर्च करना बंद करो, स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, ग्राफिक का स्कोप क्या है, डिजिटल का स्कोप क्या है, और भी जो है। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, सिंपल सी बात है। स्कोप स्कोप क्या तेल है, पैसा मिल रहा है ना, बात बात ख़त्म। अगर आपको लग रहा है उस चीज़ में पैसा मिलेगा, तुमको मिलेगा, हाँ बस वही चीज़ में लगना है और आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ छोड़ दो कि हाँ इस चीज़ में स्कोप क्या है, इस चीज़ में पैसा कितना है। पहले सोच लो कि पैसा इतना है तो एफर्ट कितना भी डाल लो यार, तुमको वो पैसा कम ही लगेगा। लेकिन सिर्फ फोकस पे ध्यान दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे ना, पैसा आते रहेगा जाते रहेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तुमको। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसे डिलीट कीजिए, स्कोप को डिलीट कीजिए अपने माइंडसेट से।